नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में दो बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और जीवन सुख में हो जाता है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी डेट, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और व्रत पारण का टाइम। नंबर 1, अपरा एकादशी डेट। दोस्तों, अपरा एकादशी बृहस्पतिवार 26 मई 2022 को है। नंबर 2, अपरा एकादशी मुहूर्त। दोस्तों, अपरा एकादशी प्रारंभ 25 मई 2022 को 10:32 से हो रही है। साथ ही एकादशी तिथि का समापन 26 मई 2022 को 10:50 पर हो रहा है। नंबर 3, व्रत पारण टाइम। दोस्तों, 27 मई को पारण यानी कि व्रत तोड़ने का समय 5:25 से 8:10 पर होगा। साथ ही पारण तिथि के दिन द्वादशी समापन होने का समय 11:40 पर हो रहा है। नंबर 4, अपरा एकादशी पूजा विधि। दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप जलाएं, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित जरूर करें। अगर संभव हो सके तो इस दिन व्रत भी रखें, भगवान विष्णु जी की आरती करें, साथ ही उन्हें भोग लगाएं। और दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। नंबर 5, अपरा एकादशी का महत्व। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। इस पावन दिन पर व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने भी अपरा एकादशी का व्रत रखा था। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।